सभी किसान साथियों को राम राम। मैं हूं शंकर लाल मीना और आज ऐसी जगह आए हुए हैं जहां कि किसान पिछले 8 साल से लगातार टमाटर की खेती कर रहे हैं और टमाटर की खेती से इतना शानदार मुनाफा ले रहे हैं। और आज ये जो हम इनके फार्म पे आए हुए हैं, ये टेक्निकल तरीके से पूरी टमाटर की खेती कर रहे हैं। तो आज आपको ऐसे किसान से मिलवाते हैं जो टेक्निकल तरीके से और अच्छे भाव में मार्केट में टमाटर बेचते हैं। राम राम जी। राम राम साहब। आप अपना सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को परिचय दीजिए। हमारा परिचय रामगढ़ पछवारा। ग्राम कौन सा है? ग्राम रामगढ़ पछवारा। रामगढ़ पछवारा, रामगढ़ पछवारा, जिला दौसा। जिला दौसा। मेरा नाम ब्रजमोहन सैनी है। आपका नाम ब्रजमोहन सैनी है। ये जो कि रामगढ़ में तहसील मुख्यालय से सामने आपका ये फार्म है, तो आप कितने साल से टमाटर की खेती कर रहे हो? मैं 8-10 साल से टमाटर खेती कर रहा हूँ। पिछले 8-10 साल से टमाटर की खेती कर रहे हो, तो आपको ये टमाटर की खेती में कितना प्रॉफिट हो जाता है? जैसे एक साल में लगाए तो एवरेज? हमको बहुत बढ़िया एवरेज हो जाता है। गई टाइम पे, गई साल में हमने 3 बीघा कच्चे टमाटर लगाए थे। पिछले साल 3 बीघा कच्चे टमाटर लगाए थे, उनके अंदर हमको 6 लाख रुपए का मुनाफा हो गया था। 3 बीघा कच्ची जमीन से इन्होंने पिछले साल इसी सीजन में 6 लाख रुपए के टमाटर बेचे हैं। तो उसके बाद जैसे आप टमाटर लगातार करते रहते हो पूरी साल? हम कंटिन्यू के टमाटर चलते हैं हमारे पास, अब भी चल रहे हैं, पिछले भी चल रहे हैं और अभी बाद में लगा रखे हैं हमने। अच्छा अच्छा। तो जैसे हमने ये देख रहे हैं आपके पूरे इस पे खेत पे ये लोट टनल लगा हुआ है, ड्रिप इरिगेशन से आप पानी दे रहे हो, मल्चिंग भी आपने लगा रखी है। तो जैसे कि 1 बीघा ज़मीन पे अगर कोई किसान टमाटर की खेती करता है, तो अगर टेक्निकल तरीके से जैसे आप कर रहे हो, अगर वैसे वो खेती करे, तो उसको लगभग 1 बीघे पे कितना खर्चा आ जाएगा? 1 बीघे पे लगभग 50,000 रुपये का पक्का, बीघा पे 50,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। 1 बीघे पक्के पे 50,000 रुपये का कम से कम खर्चा हो जाएगा। और उसमें मुनाफा देखे तो 1 बीघे से वो कितनी कमाई कर सकता है? 1 बीघे से कम मुनाफा लेगा तो 4-4.5 लाख रुपए तक ले सकता है। 4-4.5 लाख रुपए तक का 1 बीघे से वो मुनाफा ले सकता है। आपने अभी जो ये लगा रखा है, ये जमीन कितने बीघे जिसमें आपने ये लोट टनल लगा रखा है? हमारे पास 3 बीघा पक्की जमीन है, इसके अंदर 2 बीघे पक्की टमाटर है और 1 बीघी पक्की मिर्ची लगाई है। आपने 2 बीघा पक्की टमाटर और 1 बीघा में मिर्ची लगा रखी है। तो जो ये मार्केट की बात करें तो ये आपके किस महीने में चलेंगे ये टमाटर, जो अभी दिसंबर में आपके ये कितने दिन के हो गए? अभी हमने 20 लीटर तो हो गए लगाए इनको। अच्छा, 20 दिन हो गए। हाँ, और ये फरवरी के 15 फरवरी तक चालू हो जाएंगे हमारे टमाटर। 15 फरवरी तक ये चालू हो जाएंगे। हाँ, तो 15 फरवरी तक मार्केट में इनकी अच्छी प्राइस आपको मिलेगी। तो लगभग 1 बीघे से आपका मुनाफा 4-4.5 लाख रुपए का कम से कम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इनमें, जैसे टमाटर में ज़्यादातर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से बीमारियां आती है। बिल्कुल आती है। तो कौन कौन सी बीमारी आती है और आप कौन कौन सा स्प्रे करते हो? पहला स्प्रे तो कीटनाशक होती है, सबसे मेन बीमारी तो कीटनाशक का होता है। होने से आगे बीमारी बढ़ती है सारी। बिल्कुल सही है। कीटनाशक हो जाती है, फफूंदनाशक भी हो जाती है, फिर वो छुरिया की शिकायत हो जाती है। हाँ, जिसमें वो पत्ते पत्ते मुड़ जाते हैं ऊपर से, फिर इसके अंदर काला डांड हो जाता है जी। एक कोई पत्तों के ऊपर लिखोट बीमारी आ जाती है, लीप माइनर आ जाती है जी। इनका सभी का अपन स्प्रे करते हैं। तो ये स्प्रे आप कितने दिन के अंतराल पे इनमें करते रहते हो? अभी तो हमको 1 महीने तक करने की आवश्यकता नहीं है, अभी पहला स्प्रे कर चुके हैं हम। पहला स्प्रे कर चुके और ये लोट टनल लगा चुके हैं। तो स्प्रे की महीने भर तक तो कोई आवश्यकता नहीं है। 1 महीने तक आपको स्प्रे की जरूरत नहीं है। तो फिर बाद में इनको हटाएंगे हम, तो 10 रोज के अंदर अंदर स्प्रे करना पड़ेगा। 10 रोज के अंतराल पे आपको स्प्रे करना पड़ेगा, 10 रोज, जिसमें कीटनाशक और फंगस और ये इन सारी बीमारियों का करना पड़ता है। एक जैसे कि मुख्य रोग ये आता है कि टमाटर में जड़ गांठ होती है, तो वो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है कि पौधा ग्रोथ नहीं लेता, फल नहीं देता। तो उसके लिए आप कौन सा उपचार करते हो, क्या दवाई देते हो? हम उसके अंदर बलम पराई का उपचार करते हैं। बलम पराई का? अच्छा अच्छा, उससे आपकी ये बीमारी नहीं आती? बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिल्कुल वो भी खत्म हो जाती है। अच्छा, जो बीमारी पौधे में आ जाती है वो भी खत्म हो जाती है। तो आप जैसे समय समय पे इन पे स्प्रे करते हो, पानी कितने दिन के अंतराल पे आप इनमें देते हो? पानी तो अभी तो हमने इनमें आवश्यकता नहीं पड़ती है।
15 रोज से पहले तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये लोटन लगाने के बाद 15 रोज के अंतराल में 2 घंटे ड्रिप चलानी पड़ती है मात्र दिन में 2 घंटे ड्रिप चलानी पड़ती है। वो रोज चलाते हो या नहीं? 15 रोज के अंदर 15 रोज के अंदर 2 घंटे तो 15 रोज के अंदर चलानी पड़ेगी जी। फिर बाद में इनको उठाएंगे तो माल चालू हो जाएगा तो हम हर 5वें दिन पानी देना पड़ेगा। 5वें दिन पानी देना ही पड़ेगा इनमें, तो इसमें कोई ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं है। पानी की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये जैसे मल्चिंग लगा रखी है इस वजह से पानी कम लगता है आपके? ड्रिप और मल्चिंग दोनों से कम लगता है। ड्रिप और मल्चिंग से आपके कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल जाता है। तो ये जैसे बीमारी आप समय समय पे स्प्रे करना तो जरूरी है इसमें। बिल्कुल। और मुख्य जैसे ये रोग है और इन सब को अगर आप टाइमली मेंटेन करते हो तो आपको लगभग 1 बीघे से 4.5-5 लाख का मुनाफा हो जाता है। और ज्यादा पानी देने से इनके अंदर जड़गांठ हो जाती है। ज्यादा पानी देने से? ज्यादा पानी दोगे ना पानी इसके अंदर तो जड़गांठ आ जाएगी ज्यादा। अच्छा, जड़गांठ आ जाएगी। जड़गांठ आ जाएगी, कीटाणु भी ज्यादा हो जाएंगे। कीटाणु भी ज्यादा आ जाएंगे। तो जैसे कि हमारा कोई भी अगर नया किसान टमाटर की ये खेती करना चाहे, आपके जैसे आपसे इंस्पायर होके ये टेक्निकली खेती करना चाहे, तो उसको 1 बीघे में 50,000 का खर्चा आना है। और उसमें मेहनत आपके जैसे लेबर कॉस्टिंग की बात करें तो लेबर कितनी लग जाती है जैसे आपके इसमें? लेबर तो इसमें अभी तो लगेगी नहीं। अच्छा अच्छा, अभी तो कम लगेगी लेबर। फिर तोड़ने करने में लेबर लगती है, तुड़ाई में लेबर लगती है। अभी तो इसमें मल्चिंग डाल दी तो खुदाई का काम खत्म हो गया। हाँ, निराई गुड़ाई का मल्चिंग से खत्म है। डाल दिया अपने तो पानी मोड़ने का काम खत्म हो गया। बिल्कुल, दोनों काम खत्म हो गया। मात्र स्प्रे करने का काम होता है और बाकी तुड़ाई का काम होता है, दो ही काम। मजदूरी का काम नहीं है ज्यादा इसमें। तो इतने कम मेहनत में आपको इतना अच्छा मुनाफा, और किसी भी खेती में अगर आप जैसे सरसों गेहूं चने ये करते हैं तो उसमें नहीं, तो उसमें नहीं होता इतना, उसमें नहीं होता, आता ही नहीं होता है। अब बात करते हैं मार्केट की, तो आपके जैसे ये टमाटर मिर्च चालू होगी तो उस समय लगभग क्या भाव आपको मिल जाता है? देखो गई टाइम तो अपन मेरे को 15 रुपए किलो से स्टार्ट हुआ था मार्केट। 15 रुपए के जिसे आपका स्टार्ट हुआ था तो एंड में जाते जाते 25 रुपए किलो तक हो गया था। 25 रुपए किलो तक आपका उत्पादन भाव मिल गया था। तो ज्यादातर भाव तो 15-16 रुपए का चला था, और एंड में जब गर्मी आई ना, मई का महीना आया, जब 25 रुपए किलो हुए थे। तो आप इनमें जो ये टमाटर की ब्रीड लगाते हो वो कौन सी कंपनी का या कौन सा बीज लाते हो? ये मैं चामुंडा का बीज लाया था। चामुंडा का बीज? अच्छा अच्छा, ये बढ़िया है टमाटर के लिए? टमाटर साइज बढ़िया है, गोल आकार का है, और ये टमाटर 8 रोज तक खराब नहीं होता। अगर तोड़ने के बाद 8 रोज रह जाता है? 8 रोज तक ये रह जाता है, स्टॉक कैपेसिटी बहुत अच्छी है इसकी। और ये मिर्च है, जो मिर्च आपकी कौन सी कंपनी की है? मिर्च का तो जी कोई दिक्कत नहीं, आप इतने टेक्निकल तरीके से कर रहे हो, इतना अच्छा मुनाफा ले रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। तो ब्रजमोहन जी, आप हमारे किसानों को एक चीज़ और बताइए, जैसे आप स्टार्टिंग करते हो, अगर किसी खेत को नए तरीके से किसान करना चाहे तो उसमें सबसे पहले वो क्या करे? पहले तो अपन को पौध तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो पौध तैयार करनी पड़ेगी, सही है। तो पौध अपने 25 और 28 दिन के अंदर अंदर पौध तैयार हो जाएगी। 25 से 28 दिन में पौध तैयार हो जाती है। पौध अपनी तैयार होती है जी, तो फिर अपन खेत के अंदर जुताई उताई करते हैं जी। जुताई करके अपन इसके अंदर नाली खुदाएंगे। तो इसमें आप खाद कौन कौन सा यूज लेते हो सबसे पहले? पहले खाद तो हम देसी लेते हैं। देसी सबसे ज्यादा तो गोबर का खाद काम लेते हैं। गोबर का खाद सबसे अधिक मात्रा में तो हाँ। फिर इसके अंदर 10 किलो कच्चे बीघा का डीएपी लेते हैं। 10 kg कच्चे बीघा का डीएपी हाँ। फिर इसके अंदर 20 kg का सुपरफास ले लेते हैं। सुपरफास्फेट ले लेते हो 20। और फिर इसके अंदर थोड़ी अपन 1 kg कच्चे की क्रिटाप ले लेते हैं, जड़गांठ के लिए। जड़गांठ के लिए क्रिटाप ले लेते हैं जी। और इनको चारों को जमीन के इस नाली के अंदर दोरे नाली बनाते हैं, जो बेड बनाते हो आप उसके अंदर डाल देते हैं। उसके अंदर डालते हो खाद को, और डाल के इसके अंदर खुदाई कर देते हैं। अच्छा अच्छा, नाली के अंदर नाली की खुदाई कर देते हैं, और नाली की खुदाई करने के बाद में नाली को समतल अक्षार करके और इसके अंदर पानी डाल देते हैं अपन जी। पानी डालने के ऊपर 6 या 7-8 घंटे के अंदर बाद में इसके अंदर टमाटर की पेड़ तैयार कर, पौधरोपण चालू हो जाता है, रोप देते हैं जी। उसके बाद में रोपने के बाद में हल्का सा पानी और दे देते हैं दूसरे रोज जी। उसके बाद में पानी देने के बाद में 8-10 रोज तक अपन कुछ भी नहीं करना है उसके अंदर। इसके अंदर कुछ नहीं करना, नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे कैसे धूप में छोड़ देना है। फिर इसके अंदर हल्का सा फिर पानी डालना है मामूली,
ड्रिप से चालू हो जाता है, ड्रिप से चालू पानी डल जाएगा, फिर इसके अंदर एक हल्का अपन को स्प्रे करना पड़ेगा जी, कीटनाशक का स्प्रे करके फिर इसको ढकने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं अपन। अच्छा, लोटन नल से। लोटन लगा देते हैं फिर इसके अंदर। तो ये मार्केट में लोटन नल क्या भाव से मिल जाता है आपको? अभी लोटन तो IS कंपनी का लाते हैं तो अपन को बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। ISI कंपनी का? हाँ, वह तो पड़ता है अपन को 600 मीटर का बंडल 7000 रुपए का। अच्छा अच्छा, 600 मीटर 7000 का, 7000 रुपए का जी। और ये अपन लाते हैं तो ये 4600 रुपए का भी 1000 मीटर आता है। ISI 4600 रुपए का भी आता है और 5300 का भी आता है, तो हम तो ये 5300 वाला लगे डाला है। अच्छा, तो ये कितने साल चल जाएगा आपका? ये दो साल चल जाएगा जी। तो ये काफी है, और इसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया आपने बताई दी, तो इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं है। अगर कोई भी किसान भाई टेक्निकली तरीके से अगर टमाटर की खेती करता है तो वो आराम से एक सीजन में 4-5 लाख रुपए बीघे की इनकम ले सकता है। और इसमें अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए किसी भी किसान भाई को तो ये ब्रजमोहन जी का फार्म है, रामगढ़ जिला मुख्यालय के सामने ही इनका फार्म है, तो वो यहाँ आके और ब्रजमोहन जी से टमाटर की बाग खेती के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय जवान, जय किसान, राम राम।